हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईफोन में असिस्टिव टच आईडी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईफोन में केवल एक सिंगल होम बटन होता है। इसके अलावा ना ही तो इसमें बैक बटन होता है और ना ही थर्ड बटन होता है। तो उस असिस्टिव टच आईडी बेसिकली एक शॉर्टकट्स का ग्रुप होती है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके अलग अलग मेन्यू को इनपुट कर सकते हैं, और ज़रूरत के टाइम पर आप इसमें सिंगल टैप करके उन मेन्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं असिस्टिव टच आईडी को कैसे इनेबल करें और इसके मेन फीचर क्या हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं। यहाँ से आप एक्सेसिबिलिटी में जाएं। यहाँ से फिजिकल एंड मोटर ऑप्शन में टच पे क्लिक करें। यहाँ से आप असिस्टिव टच जैसे कि टॉप पे देख सकते हैं, अभी ऑफ है, हमें इसको ऑन करना है। तो ऊपर से इसको इनेबल कर दीजिए। अब जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे असिस्टिव टच आईडी आ चुकी है। इसके बाकी फीचर देख लेते हैं फ्रेंड्स। कस्टमाइज टॉप लेवल मेन्यू में जाके देखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में 6 मेन्यूज आते हैं। इनको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि नीचे दिया हुआ है प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेन्यूज बढ़ सकता है। ये अप टू 8 मेन्यूज इसमें आ सकते हैं, और इसमें मेन्यू एडअप करने के लिए आप प्लस पे क्लिक करिए और आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मेन्यूज के अंदर एडअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे म्यूट करता हूँ और इसमें मैं रोटेट का ऑप्शन ऐड करता हूँ, तो ये मेरा मेन्यू है, कस्टमाइज हो चुका है। कस्टमाइजेशन की बात करें तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल टैप में ओपन मेन्यू होता है, यानी कि होम को आप सिंगल टैप करेंगे तो आपका मेन्यू खुलेगा। मैंने होम को सिंगल टैप किया, आपका ये जो मेन्यू खुल गया। इसमें बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। डबल टैप में बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है, आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ऐप स्विचर डालता हूँ, तो जैसे मैं डबल टैप करा इसमें ऐप स्विच का ऑप्शन आ गया। और उसी तरीके से लॉन्ग प्रेस में भी आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सीरी ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। बात करें असिस्टिव टच आईडी के आइडियल कैपेसिटी की, तो ये बाय डिफॉल्ट 23% होता है, जिसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए इसको सेलेक्ट करें और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितना भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो आइडियली ये उतना ही आपका शो करेगा। ये मिनिमम 15% तक हो सकता है, उसके बाद में आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।